सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स में फर्क क्या होता है? जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर से ये कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक टर्म में क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। 75 मिलीमीटर बारिश हुई उस दिन 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, और 3 घंटे तक जारी रही। भारी बारिश थी। भारी बारिश का अनुमान हमें हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट जो होती है एक नेचुरल कलामिटी है। ये लोग एक एक्सीडेंट नहीं था, ये जान मुंह की कराई चीज थी। आपको पता था बारिश आने वाली है, पहाड़ खिसकते हैं, पस्तियां गिरती हैं, ऊपर से स्लज जाता है। आपने वहां टेंट लगवा दिए, लंगर लगवा दिए, 25 टेंट लगवा दिए, 3 लंगर लगवा दिए वहां पर। पिछली बार 2021 को और 2020 को जब यात्रा नहीं हुई थी कोविड पैंडेमिक के कारण, तब 2021 में इसी 28 जुलाई को वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के टेंट लगे हुए थे। सेम ऐसा ही हुआ, भारी बारिश आई और उनको रेस्क्यू कर लिया। एक भी जान नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्लानिंग, तब भी मनोज सिन्हा थे और अच्छा हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई? क्यों मारे गए वहां पर पिलग्रिम्स? क्यों मारे गए? जिम्मेवारी किसकी है? कौन ऐसा व्यक्ति था? कौन ऐसे लोग हैं, इनएफिशिएंट लोग हैं जो श्राइन बोर्ड के अफेयर्स को देख रहे हैं? क्या हमारे पास इतने लोकल ब्यूरोक्रेट्स कोई नहीं है जिनको पूरा इतिहास का पता हो, यहाँ पर यात्रा कैसी होती है, टोपोग्राफी का पता हो, उनको सारा कुछ पता हो कि क्या होता है, बारिशें कैसे आती हैं? ये मानसून का टाइम है, जम्मू कश्मीर में मानसून है इस टाइम, और मानसून में यात्रा होती है। और यहाँ पर जो एक पूरा ट्रैक है, जो बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, कोई माउंटेनिंग नहीं है, ये पिलग्रिमेज है। और इस चीज को सतीश सेन गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि 1 महीना और 1 लाख पिलग्रिम से ज्यादा नहीं। वार्मिंग बढ़ जाएगी, लिंगम बनना बंद हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे यात्रा फिर? यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ करने वाले कौन, आप सबको पता है। अभी तक शर्म की बात है, अभी तक आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं बिठाई। बिठाइए इंक्वायरी, कमीशन बिठाइए, जो भी जिम्मेवार है सजा दीजिए। हम तो ये चाहते हैं, हमको चाहते नहीं आप कवर अप कर रहे हो। आप भारतीय सेना को सामने ले आते हो, भारतीय वायुसेना को सामने ले आते हो, कहते हो कि हाँ जी ये जिम्मेदार थे, हमने ऐसा किया, हमने रेस्क्यू कर दिए। और भाई जब देश पर और देश के नागरिकों पे मुसीबत आएगी ना, तो भारतीय वायुसेना को या भारतीय सेना या नौसेना को मोदी जी की, अमित शाह की आवश्यकता नहीं है, उनके हाँ ना की। उनको पता है, उन्होंने शपथ लिए देश को और देश के नागरिकों को बचाने की, उनको आपके ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। और आज जो राजनीतिकरण कर रहे हैं आप हमारी सेना का, नौसेना का, बहुत दुखद, बहुत दुख की बात है। जो सेना को, नौसेना को राजनीति में घसीट रहे हो, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हर चीज में राजनीति की, कहीं तो शर्म कीजिए आप लोग। क्या सरकार चला रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर चला रहे हैं, क्या ऑल इज वेल बोल रहे हैं? कुछ ऑल इज वेल नहीं है यहाँ पर, बद से बदतर हो गया है। स्कैम देखिए, सब इंस्पेक्टर स्कैम देखिए आप, क्या कर पा रहे हैं? आपसे SSB नहीं संभल रहा, आपसे PSC नहीं संभल रही, आपसे श्राइन बोर्ड नहीं संभल रहा, आपसे जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा। और आपने आप कहते हो गुड गवर्नेंस, डबल इंजन सरकार, बहुत दुखद, बहुत दुखद। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, एक कमीशन बिठाइए और जो भी अफसर जिम्मेदार हैं इन हत्याओं के, उनको सजा दीजिए। धन्यवाद।